और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और ये भाजपा वालों को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमारे काजी को भी जिद है वहीं पे अपना अफजाना बनाने की, वहीं पे अपना अफजाना बनाने की। पंजाब के मुख्यमंत्री का रीवा में रोड शो। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह आज दो दिवसीय रीवा प्रसार पर पहुंचे। यहां वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंह के पक्ष में वोट की अपील करने में रोड शो किया, जो कि कॉलेज चौराहे से होकर शिल्पी प्लाजा के खत्म हुआ। भगवंत मान सिंह ने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है, 17 नवम्बर को जनता परिवर्तन के लिए वोट करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह रात्रि विश्राम रीवा में करेंगे और अगले दिन ही रीवा की सिरमौर और मोगन विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री शाम को रीवा पहुंचे। यहां उन्होंने कॉलेज चौराहे से शिल्पी प्लाजा और करीब 2 किलोमीटर का रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ रीवा प्रत्याशी दीपक सिंह साथ रहे। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन पिछले बार भी उन्होंने परिवर्तन किया था। उस परिवर्तन को एक और परिवर्तन में बड़े सब्र से उस दिन का इंतजार कर रही है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं। पहले तो मैं आपका चरण छू के आशीर्वाद लेता हूं, जो हमारी परंपरा है। सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, जितनी संख्या में आप लोग आए हैं, यदि ये आवाज 5 लोगों के बीच पहुंचाने का यदि आप लोग आज यहाँ से हाथ उठा के जिम्मा लेते हैं, मैं आपके देव कुल मेरी जनता जनार्दन के चरणों में प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि उसूलों पे आ जाए, उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और ये भाजपा वालों को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमारे काजी को भी जिद है वहीं पे अपना अफजाना बनाने की, वहीं पे अफजाना। सौंदर्य से कोई नहीं खरीदना चाहता। 2018 का मंजर याद कर लीजिएगा, जब लोगों ने परिवर्तन के रूप में कांग्रेस को चुना था। राहुल गांधी जी ने आए थे 2018 में, कहते गए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी उसी दिन हम पूरी सौंदर्य की चेकिंग करवाएंगे। क्या हुआ, 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली और सारे के सारे लोग बिक गए, और जिसके आपने पीछा छुड़ाया था शिवराज मामा फिर से आपके सर पर मंडराने लगा। मेरा निवेदन आप लोगों से है, ये केजरीवाल की सेना के हम लोग हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के विधायक पंजाब के विधायकों को भी खरीदने का काम किया गया, पर दिल्ली और पंजाब के विधायक टिकते नहीं है, जनता के साथ जमीन में टिकते जरूर है मेरे साथी। इसलिए चंद लाइनों से अपनी बात को खत्म करता हूं कि इन घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार को छोड़कर एक बार सोचिएगा, जब आपका बच्चा सोता है तो वो क्या सपना देखना चाहता है, कहीं आप उसके सपनों का सौदा तो नहीं बनने जा रहे हो। और यदि अपने आप उत्तर मिल जाएगा, एक तरफ बड़े बड़े पूंजीवाद वाले लोग चुनाव मैदान में हैं, जिन्होंने 20-30 साल से इस रीवा को लूटा है, आज आपका भाई और लड़का और आपके बीच होने के नाते मैं जोर से निवेदन करता हूं कि मैं पसीना बहा सकता हूं, खून बहा सकता हूं आपके लिए। आपको तय करना है कि आपको पूंजी वाले लोग चाहिए कि पसीने बहाने वाले लोग चाहिए, ये आपको तय करना है। चंद लाइनों से अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं कि रख हौसला, रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर मत बैठना मेरे रीवा के लोग, आम आदमी की आपकी सरकार ही बनेगी तो सरकार का भी मजा आएगा, उस सरकार का भी मजा आएगा। इन्हीं शब्दों जब आप तो उसके पास कोई काम करने के लिए जाओगे, वो कहेगा 5 लाख रुपए लगेगा जी नौकरी मिलवाने का। तुम कहोगे जी हमने वोट डाला था, वो कहेगी आपने वोट का 1800 रुपए मांगा था, जब तुम्हारा रेट था हमने दे दिया, जो हमारा रेट है हमने दो। इसलिए वोट खराब मत करना, बेचना मत। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने अपनी कुर्बानी देके
पैसे दो यार, अपनी मर्जी से वोट डाल दो, जिसको मर्जी डाल देना, लेकिन अपनी मर्जी से डाल देना, किसी को बेचना मत। ये शहीदों के खून का सस्ता सौदा मत करना। इनके पास पैसे होंगे, इनके पास मसल पावर होगी, हमारे पास तो सच है, ईमानदारी है। पंजाब में आप आइएगा, देखने आइएगा पंजाब में कि कैसे किसान खुश है। आज उनकी धान की फसल मंडी में आती है, रात नहीं वो हम कुछ किसान को भी जाने देते मंडी में, उसके 24 घंटे के अंदर उसके पैसे मिल रहे हैं, उसको एमएसपी पे रोजगार मिल रहे हैं, बिजली माफ है, मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ के अंदर फेंका जा रहा है, सरकार का खजाना बढ़ रहा है, जैसे खजाना बढ़ रहा है तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं भाई साहब, दो दो तीन तीन गुना हमने तनख्वाहें कर दी, 12,700 कच्चे अध्यापकों को पक्के कर दिया और तीन तीन गुना उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। ये काम होता है पब्लिक का। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मुझे पता है दर्द क्या होता है। मैं ग्राउंड से आया हूं, मैं धरती से आया हूं, मैं खेती किसान हर खंडक हर किस्म की खेती मैंने की है, मुझे पता है कि दर्द क्या होता है। इनको क्या पता भलसा पड़ रहा है लोगों को कि दर्द क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, मैं तो आता रहूंगा यहाँ पे, जब आप बुलाओगे मैं रीवा आ जाऊंगा। लोगों को अच्छे कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। आज रीवा में हमारी कैंपेन शुरू हुई है। वैसे रीवा में पहले अरविंद जी और मैं भी आ चुके, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आज पहला दिन है, 17 नवंबर का दिन है। मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। पिछली बार भी उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट दिया था, लेकिन उस परिवर्तन को एक और परिवर्तन में परिवर्तन कर दिया गया। मतलब कांग्रेसियों को हृदय परिवर्तन करवा के उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, तो ये लोकतंत्र की हत्या थी। तो ये लोगों के पास एक मौका आता है 5 साल में, तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत सब्र से उस दिन का इंतजार कर रही थी। 17 नवंबर वो दिन है जब मध्य प्रदेश के लोग जाएंगे और एक बड़ा परिवर्तन जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ है ऐसा परिवर्तन करेंगे कि विधायकों को बिकने के लिए या फिर उनको इधर उधर हृदय परिवर्तन के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आज मैं सिटी गया था, आज चौहाट विधानसभा में और रीवा में आया हूँ। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में आते रहेंगे और पंजाब और दिल्ली का जो शासन है उसकी अच्छी अच्छी बातें जो लोगों को महसूस हो रही हैं, बिजली पानी शिक्षा इलाज ये सब बातें, हम रोजगार सब बताते रहेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम जो जोत हमने पंजाब और दिल्ली में जगाई है उस जोत से पूरे देश में हम और चिराग जगाएं। सर संजय सिंह जी को जेल भेज दिया गया, ये इनकी फितरत है, जहाँ जनता साथ नहीं देती वहाँ ईडी यूज करते हैं। तो संजय सिंह को जेल भेज दिया गया, जिन्होंने स्कूल बनाए मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, जिन्होंने अस्पताल बनाए सतेंद्र जैन को जेल भेज दिया। तो इनको लगता है शायद ये नेताओं की पार्टी है, आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है, कितने नेताओं को अंदर करोगे। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। कितने कितने नेता हमारे जो हैं वो ये जेल में देंगे। संजय सिंह के लिए जेल कोई नई बात नहीं है, संजय सिंह सुल्तानपुर के फुटपाथ पर बैठे लोगों को हेल्प करते थे। तो संजय सिंह का दिल फुटपाथ से शुरू हुआ है, इनकी तरह नहीं है कि वे एक देश एक दोस्त सिर्फ एक ही बंदे को, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा में बोलते थे कि मोदी अडानी भाई भाई, तो ये बात उनसे उनको रास नहीं आई। तो इसलिए हम कह रहे हैं एक देश एक दोस्त, एक ही दोस्त को सब कुछ लुटा दिया। ये भी तो दुकानदार है, इन्होंने भी तो काम करना है। तो ये आने वाले जो 24 के चुनाव में भी और मध्य प्रदेश के विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जनता जो है वो इनको ट्रेलर दिखाने वाली। आप आम पार्टी को पहाड़ों वाले सिमुलों में पढ़ते हैं, वहाँ तो हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ऐसे स्कूल बनाए, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक डीसी का बच्चा, एक जज का बच्चा एक ही बेंच पर बैठ के पढ़ते हैं, एक ही किताब पढ़ते हैं भाई साहब। वन नेशन वन एजुकेशन, एक देश एक शिक्षा,
बेटे को दुकानदार के बेटे को मिलनी चाहिए एक नेशन एक एजुकेशन। तो ये कहने के लिए आपके पास आया भाई साहब कि दिल्ली और पंजाब में आपने ठीक कर लिया, बाकी ठीक करो, आपके हाथ में है व्यवस्था। 17 तारीख को बदल देना, 17 तारीख को जब बटन दबाओगे झाड़ू लगा तो मशीन में से आवाज आएगी टी ऐसे करके, वो मशीन की आवाज मत समझना, वो बीजेपी वालों की चीखी झाड़ू समझना भाई साहब। कहीं भी किसी को भी खरीद लेते हैं यार, एमएलए खरीद लेते हैं, सरकार बन गई हमारी, हमने खरीद ली है, हम आपके विधाता बन गए, लोकतंत्र है भाई। इसलिए हम कहते हैं जाओ कुत्ते हो जाओ, ये धर्म के नाम पे आपके पास वोट मांगने आएंगे, ये जाति के नाम पे वोट मांगने आएंगे, बिरादरी के नाम पे वोट मांगने आएंगे। मेरा एक शेर याद रख लेना कि भगवंत मान रीवा के बाजार में आया था, वो कहके गया था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। देश एक है, देश बिजली के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, मैं इलाज के नाम पे वोट मांगने आया हूँ। दीपक के संघर्ष के साथ आप हैं, आज मुझे इस बात का पता चल गया है, पूरे रीवा को पता चल जाएगा, ये पत्रकार बंधु खड़े हैं इनके कैमरों के जरिए पता चल जाएगा कि रीवा में तो शुरुआत हो चुकी है इनकलाब की, और रीवा में तो शुरुआत हो चुकी है एक नए गुलाब की, एक नई खुशबू की, नई पार्टी, नए विचार, नया निशान। 17 नवंबर का दिन झाड़ू चुनाव छी पंजाब में 170 सीटें हैं, मांगने सीटें आम आदमी पार्टी को आई भाई साहब, बीजेपी को कितनी आई, दो एमएलए हैं पंजाब में, वो तो समुद्र पर बैठ कर भी विधानसभा आ सकते हैं भाई साहब। पंजाब की जनता जानती है इनको, आप भी पहचान जाइए, आप भी जान जाइए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आओ मिलकर एक नई सोच को आगे खेतिया की पार्टी की, उस सोच को आगे बढ़ाएं। इंजीनियर दीपक सिंह, अच्छे अच्छे लोगों को वहां भेजोगे तो अच्छे कानून बनेंगे भाई साहब। जो आपको एक बार पैसे देके खरीदेगा वोट के समय, आपको पैसे देके खरीदेगा, वो एक बार खरीदेगा 5 साल आपको बेचेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।